कुछ डिले हो जाता है, किताब लंबी हो जाती है, क्योंकि लोग भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने नहीं हैं जो यहाँ के रहने वाले, बट जो हमारे अपने देशवासी बाकी ज़िलों से, बाकी स्टेट से यहाँ पे आ रहे हैं, उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। इस कारण से एक तो जो काउंटर्स हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, वो काफ़ी लंबी, जो उनको नंबर जो है वो बढ़ाया जाएगा, जिस कारण से उनका जो वक्त है वो कम से कम लगे। दूसरा, यहाँ पे जो सैम्पलिंग होती है, टेस्टिंग होती है, उसमें जो ज़िला कठुआ के अपने जो हमारे रहने वाले शहरी हैं और यहाँ के जो वसनीक हैं, निवासी हैं, उनके लिए जीएमसी में अलग सुविधा क्रिएट की जाएगी, ताकि उनको कम से कम वक्त लगे रजिस्ट्रेशन में और सैम्पलिंग में भी। बाकी ज़िलों के लोग तो यहाँ से अपने अपने ज़िलों में जाते हैं, तो उनको कोई दुश्वारी, उनका वक्त जो है वो है, लेकिन उसको भी और बेहतर बनाने के लिए, उसमें इस्लाहात लाने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स भी जो है वो अवेलेबल रहेंगे, वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ये अपना फॉर्म भर के गाड़ी में अगर कोई यहाँ से पठानकोट या जलंधर जा रहा है या दिल्ली जा रहा है, उसको वापस आना है, फॉर्म ले जाए, वापसी में वो फॉर्म भर के दे दे और वो सीधा अपने ज़िले में चला जाएगा, ताकि किसी को भी यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 दिन में एक मसला था कुछ रैड टेस्ट को लेके कि उनके मोबाइल नहीं है, उसको भी ठीक किया गया, उसे भी काफ़ी सहूलत मिली, और कुछ दिनों में आपको और ज़्यादा आपको इसमें एक चेंज नज़र आएगा।